5% ऊपर जाते हैं, क्योंकि 95% वही करते हैं जो सदियों से करते आए हैं। स्टैटिस्टिक का रूल है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, स्टैटिस्टिक का रूल है। नीट की तैयारी के लिए सिर्फ आपने खुद को डेडिकेट कर दिया था, ना आपको दोस्तों से मतलब था, ना आपको मोबाइल फोन से मतलब था, यूट्यूब से मतलब था, इंस्टाग्राम किसी से। याद करो शुरुआत के वो एक महीना, याद करो जब तुमने जी जान से मेहनत की, क्या दिन थे वो, कितनी अच्छी नींद आती थी, कितनी खुशी थी तुम्हारी जिंदगी में। दर्द था पर खुशी थी। देखो कहा जाता है ना कि अभी पेन लोगे तो आगे खुशियां मिलेंगी, और अभी खुशियां लोगे तो आगे बड़े पेन मिलेंगे, है ना। इंसान आज पेन ले तो कल की जिंदगी अच्छी हो जाए, पर इंसान क्या सोचता है, छोटी छोटी खुशी में पड़ जाता है। तुम छोटी छोटी खुशी में पड़ गए, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं, पता नहीं सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है दिल को, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, स्ट्रैटेजी के वीडियोस देख रहे हैं कि 3 महीने में नीट क्रैक कर लेंगे, 2 महीने में क्रैक कर लेंगे। आप खुद को सुकून दे रहे थे, आप अभी छोटी छोटी खुशियां दौड़ रहे हो, लेटर ऑन बेटा वो पेन बनने वाला। इसलिए पुराने समय में सही था, गुरु शिष्य की जो सीमा होती थी वो खत्म हो चुकी है, अगला कस्टमर और बिजनेसमैन वाला रिलेशनशिप हो गया है। हमने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, तुमने इसके इक्वल इतना नहीं दिया, तुमने मुझे जितने पैसे दिए थे मैंने उसके कई गुना तुमको चीजें दी है। बात पैसे की नहीं है, बात इमोशन की है, बात सिलेक्शन की है। दो दो घंटे की क्लास चल रही है, सचम आया वेद आया मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक, 7 लेक्चर में रैप अप नहीं कर सकते, बिल्कुल था। मैं बोलता शेड्यूल में 7 दिन है, 7 दिन है, 1 लेक्चर एक्स्ट्रा, लेकिन मुझे क्या मिलता है? तुम्हें भी सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा यार जब तुम वापस घिसना स्टार्ट करोगे। तुमने खुद को घिसना छोड़ दिया, तुम जैसे घिस रहे थे ना शुरुआत में, आते एकदम किसी चीज के समय नहीं, मम्मी खाने के लिए बुला रही तुम्हारे पास समय नहीं, घर पे रिलेटिव आए तुम्हारे पास समय नहीं, दोस्तों का फोन आ रहा है तुम्हारे पास समय नहीं, तुम फोन नहीं उठा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। वो जो डेडिकेशन का लेवल था ना, वो वापस लाना होगा यार 4 महीने। उसके बाद 4 महीने लग के जी जान से मेहनत, उसके बाद अपन जाएंगे खुले मैदान पे घास पे ऐसे। अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, बहुत बड़े इंसान है, तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि अलग देखो कि जो आईटीजे की बात करते हैं, आईटीजे का एग्जाम होता है, उसमें हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं। मैंने कहा जी सर बैठते। उन्होंने कहा बेटा सेलेक्ट सारे नहीं होते। मैंने कहा जी सर सारे सेलेक्ट। मैंने कहा सर तो बच्चे अब इस चीज़ को कैसे मतलब लें कि हम सेलेक्ट नहीं होंगे, पहले से पता है कुछ बच्चे नहीं सेलेक्ट होंगे। उन्होंने कहा ऑनेस्ट अटेम्प्ट की जरूरत है, आप ऑनेस्ट अटेम्प्ट तो दो। क्या आपने अटेम्प्ट ऑनेस्ट दिया था? यार तुम्हारे 600 नंबर आए और तब तुम सेलेक्ट ना हो तब बात है ना, तुम्हारे 400 नंबर आ रहे हो तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो गलती तुम में है, कमी तुम में है, मेहनत तुमने कम की, तुमने ऑनेस्ट अटेम्प्ट नहीं दी। धीरे धीरे आपको पता है कि यहाँ से बाहर नहीं आने वाला, आपको पता है जैकपॉट है आपके पास, आपके पास सब कुछ है, पर आप फिर भी नीट में सेलेक्ट नहीं होते, किस पे ब्लेम लग। 4 महीने घिस दो एकदम, 4 महीने बाद पानी भरेंगे, पूरे रूम में पानी भरेंगे और ऐसे लेट जाएंगे। इस तरह के मेरे खुद के सपने होते, खूब मेहनत करूंगा फिर जाके कहीं वाटर पार्क वगैरह में जाऊंगा, 800 का टिकट लूंगा, जाके वाटर पार्क में पूरे दिन पड़ा रहूंगा, पर पहले 4 महीने वो मेहनत तो करूँ, चोरी तो ना करूँ खुद से। अभी खुद से चोरी कर रहे हो ना, इसलिए नहीं दिया। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरे साल अनडिसिप्लिन थी। ओहो बहुत बढ़िया, ये तो डांट खाने वाली काम है, लेकिन अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन सर समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, रायता इतना फैल गया है। सर जो है डर भी बहुत लग रहा है आपके।